हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। ये हमारा करंट अफेयर की सीरीज़ का 33वां पार्ट है। इससे पहले जितने भी हमारे पार्ट हुए हैं सबके पीडीएफ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, अब डीआरडीओ के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो आप डीआरडीओ के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अपने जो हरियाणा के अंदर एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। 481 नंबर पे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भी हर साल 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो एनर्जी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने समझौता किया है ब्राज़ील के साथ। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ठीक है, जल्दी से ब्राज़ील की आप करेंसी कमेंट कर दो कि ब्राज़ील की करेंसी क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेना डिजाइन ब्यूरो किसे सेना डिजाइन ब्यूरो उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अनुप मिश्रा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डीएनए विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ एक यूटी भी है और साथ में चंडीगढ़ राजधानी किसकी है? हरियाणा और पंजाब की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली लंबी दूरी की सीएनजी बस का अनावरण किसने किया? तो ये किया भाई धर्मेंद्र प्रधान ने। तो अब आपका छोटा सा होमवर्क ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय है? जल्दी से कमेंट करके बता दो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास कौन सा मंत्रालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मुंबई रेलवे स्टेशन को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने जीता है भाई स्वर्ण पदक। और मन्नू भाकर कहाँ से है? हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड ने किस राज्य को फिशिंग हार्बर स्थापित करने के लिए 453 करोड़ का ऋण दिया है? तो ये दिया है भी तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है भाई चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया नवाबों के शहर लखनऊ। लखनऊ किसकी राजधानी है? यूपी की। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? ये है गोमती नदी के किनारे। और जैसा कि आप सब जानते हो, यूपी के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, तो आप जल्दी से कमेंट कर दो यूपी के सीएम और गवर्नर का नाम, जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2024 में डिजिटल रेडियो लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये की है प्रकाश जावड़ेकर ने। अगला क्वेश्चन, हाइपोसोनिक हथियारों वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा बना है? तो ये बना है जो भारत के सबसे बड़े सहयोगी हैं अब तक के, रूस। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट यहाँ के व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। ओके, संसद का नाम कई बार पूछा जाता है, एक तो रूस की संसद और एक जापान की संसद का, तो जापान की संसद है डाइट। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ग्रीन फील्ड बंदरगाह स्थापित करने की घोषणा की? तो ये की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है हैदराबाद और यहाँ की प्रस्तावित है अमरावती। ओके, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर का नाम आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन सूचकांक का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के तेज गेंदबाज वार्नोन फिलेंडर ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये है भाई दक्षिण अफ्रीका के। और लास्ट क्वेश्चन आज का, किस जिले ने 2019 का यूनिसेफ पुरस्कार जीता? तो ये जीता है कामारेडी जिला। कहाँ पे? ये तेलंगाना में। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।